गरीब पात्र कार्ड धारकों के राशन की लूट कौन करता है, समाज के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकारें गरीब का पेट भरने और चूल्हा जलाने के लिए उचित मूल्य पर राशन मुहैया करा रही हैं और NFSA योजना लागू कर गरीबों को लाभ पहुंचाने के आदेश दिए हैं, लेकिन गरीबों के राशन की लूट करने की सुनियोजित योजना बनी हुई है। इसका खुलासा तब हुआ जब ईदगाह बाड के PNT कॉलोनी स्थित कोटेदार राम तीरथ गुप्ता की दुकान वितरण दिवस 21 जून को बंद मिली और क्षेत्र निवासियों ने भी बताया कि दुकान सुबह से बंद है। संजय संजय कौन सी कॉलोनी है? ये नगलावासी PNT कॉलोनी। PNT कॉलोनी है ये। आज राशन की दुकान बंद है, सुबह से ही बंद है या अभी बंद की है ये नहीं मालूम है। क्या नाम है इन दुकानदार का? क्या नाम है इनका? तो राम तीरथ है। राम तीरथ दुकानदार है, सुबह से आए नहीं है ये? ठीक है। मेरा नाम सोनिया। कौन सी जगह है ये? ये नई आबादी है। अच्छा, यहीं रहती हो आप? ये दुकान सामने आपके राशन कब से बंद है? सुबह से खुली थी? नहीं खुली थी, सुबह से नहीं खुली है। सुबह से खुली नहीं, सुबह से दुकान खोली नहीं है। नाम जानते हो इनका? नाम जानते हो? पता ना नाम का है। और घबराए राम तीरथ गुप्ता चौधरी संचालक ने बताया कि कैसे DSO और ARO ईदगाह एक मिश्रा मिलकर गरीब के राशन की लूट कराते हैं। 7A News के साथ खास बातचीत में राम तीरथ गुप्ता चौधरी संचालक के साथ मौजूद ईदगाह बाड के कोटेदारों ने गरीब के राशन की कराई जा रही लूट की सहमति जताई। कोटेदारों से हुई खास बातचीत में खुलासा हुआ कि गरीब के राशन की लूट की शुरुआत विपणन खाद्यान्न गोदाम SMI से होती है। कोटेदारों की माने तो SMI पर ढुलाई और लदाई के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ कोटे से कम माल दिया जाता है। वहीं मिट्टी के तेल डीलर शासन के आदेश के बावजूद डिस्पेंसरी यूनिट से तेल न देकर फीते से तेल देता है। साथ ही DSO के नाम पर 3,000 से 4,000 रुपये की कटौती कर ली जाती है। जो कोटेदार इस व्यवस्था का विरोध करते हैं उसे धमकाते हुए लौटा दिया जाता है। कोटेदारों का आरोप है कि खाद्यान्न जारी करने के नाम पर ARO की महीनेदारी बंधी हुई है। VIP आने के नाम पर कोटेदारों से 2,000 से 5,000 रुपये ले लिए जाते हैं। 7A News के साथ बातचीत में कोटेदारों ने माना कि मजबूरन जान बचाने के लिए गरीब के खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताएं बरती जाती हैं और कोटेदार को डर इस बात का होता है कि किसी की शिकायत पर ARO अपनी जेब भरने के लिए चौधरी को निरस्त कर देता है और बहाली के लिए कोटेदार को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। और यही कारण है कि कोटेदार अपने विभाग के अधिकारियों से परेशान है और प्रत्यक्ष रूप से गरीब के राशन की लूट करने का हिस्सा बना हुआ है। दोषी लगभग सभी हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कमजोर कोटेदार पर ही होती है। DSO और ARO की मिलीभगत से न जाने कितनी ही राशन की दुकानें ठेके पर चलाई जा रही हैं। कोटेदारों ने अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए खुलासा किया कि DSO BK शुक्ला, ARO AK मिश्रा और क्लर्क राजीव तिवारी रूपी त्रिदेव ने विभाग में तांडव मचा रखा है। क्या इस विभाग का सुधार हो पाएगा या फिर शासन प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा? 7A News के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।